रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी सी YouTube की फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके सबके रिस्क और रोज़ी में इजाफा करे, आमीन सुबह आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़, जो कि बहुत ही फेमस है, हर कोई बहुत शौक से खाता है, बच्चे हो या बड़े। वो है चिकन चीज़ समोसे, बहुत मज़े के बने हैं। आप एक दफ़ा ये रेसिपी मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। चलें हम अपने किचन में चलते हैं ताकि आपके लिए रेसिपी तैयार कर सकें। समोसे बनाने के लिए हमें जो सबसे पहले आटा गूंदना होगा समोसों के लिए, उसके लिए मैंने लिया है मैदा, 2 कप भर के मैदा ले लिया मैंने। अब इसके अंदर ऐड करूंगी साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, अजवाइन 1 पिंच की बस थोड़ी सी डालनी है, तली हुई चीज़ों में अजवाइन का ज़रूर इस्तेमाल किया करें, नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, और घी इसमें मिक्स डालेंगे 2 टेबल स्पून, अगर कम लगा तो मैं थोड़ा और डाल लूँगी। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, ये देखें हम इसको मिक्स कर लिया ना चीज़ें, यूँ करके करेंगे ये मुट्ठी नहीं बन रही है, इसका मतलब घी कम है हमारा। थोड़ा सा इसमें 2 टेबल स्पून और डालेंगे, टोटल 4 टेबल स्पून घी चला गया है इसके अंदर। अब इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, ये देखें अब मैंने इसको ये मुट्ठी बनाई ना, ये देखिए इस तरह ये मुट्ठी इस तरह बन जाना चाहिए, इसका मतलब कि घी हमारा बराबर का एक्यूरेट आए। अब हम इसे पानी की मदद से गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा, एकदम से ज़्यादा ना डालिएगा, इसको पानी डाल के हम गूंद लेते हैं। ये देखिए हमने इसका डो गूंद लिया, ये देखें ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट, ये देखें दरमियाना डो होना चाहिए इसका, इस तरह करके। अब ऊपर से हम हल्का हल्का सा घी लगा देंगे, ये देखें ये लगाने के बाद हम इसको रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, हम इसकी इतनी देर में फिलिंग चूल्हे पे सबसे पहले हमने पैन रख लिया, स्टोव अपना ऑन कर लिया, इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून घी, ज़्यादा घी नहीं डालना है हमने। ये डालने के बाद ये देखिए मैंने चिकन लिए 125 ग्राम बोनलेस चिकन है, और ये इसके मैंने इस तरह करके छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं इस तरह करके, सही है, ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। ये डालने के बाद इसका कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे। ये देखें हमारे चिकन का कलर चेंज हो गया है, पानी बिल्कुल खुश्क होने नहीं देना हमने, क्योंकि ये इसी पानी में चिकन हमारा गलेगा भी। अब हमने इसके अंदर डालनी है कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, सॉल्ट आपके टेस्ट के मुताबिक डलेगा, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और ज़ीरा डालेंगे, ज़ीरा रोस्टेड और कुटा हुआ 1/2 टीस्पून। ये डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और फिर ढक्कन ढक के इसको मीडियम फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है, देखें इस तरह करके गल गई है बिल्कुल। अब हमने इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है, प्याज इस तरह बारीक चॉप की हुई 1/2, अगर आपके पास छोटी प्याज है तो 1 पूड़ी ले लें, और अगर बड़ी है तो 1/2 ले लें। हरा धनिया 2 टेबल स्पून आपने भर के डालना है, ये देखिए हरी मिर्चें मैंने 2 अदद डाली हैं, बहुत स्पाइस इसका बहुत तेज़ है तो इसलिए मैंने 2 ही डाली हैं, बस बारीक काटनी है आपने, ठीक है। ये डाल देना है और इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है, पकाना नहीं है इसको हमने ज़्यादा, बस ये मिक्सअप करना है, ये देखिए 1 मिनट तक इसको मिक्स कर देंगे, और उसके बाद हम अपनी फ्लेम बंद कर देंगे, फिलिंग को ठंडा होने देंगे, और फिर हाथ में समोसे की पट्टी तैयार। ये देखिए अब हमारी फिलिंग अभी जब तक ठंडी हो रही है, ये आटा हमने ले लिया, ये देखिए अब हम इसको बेलेंगे आटे को, डस्ट कर देते पहले, ये देखिए इस तरह करके इसको मैं बेलूंगी, ये देखिए हमने इसको बेल लेना इस तरह करके, ज़्यादा पतला भी नहीं रखना और ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना, ये देखिए इस तरह की इसकी इतनी चौड़ी हो चौड़ा वो होनी चाहिए थिकनेस। अब हमने क्या करना है, कोई भी आपके पास कटर है तो कटर ले लें, कटोरी है तो कटोरी ले लें, मैं कटोरी है अभी मेरे पास, मैं उससे ना सर्कल बना दूँगी गोल, ये देखिए ये मैंने कटोरी लिए गोल साइज़ की, ये इस तरह करके मैं इसको यूँ काट लूँगी, ये देखिए इस तरह करके एक ही आएगा इसमें, ये मैं इस तरह करके इसका कट निकाल लेती हूँ।
अंदर क्रश्ड कर ली थी मैंने चीज़ को, 2 चम्मच भर के चीज़ डालेंगे इसके अंदर। और इसको हमने अब अच्छे से हाथों से मलना है, यूँ करके ब्लेंड करना है बिल्कुल इस तरह करके, जैसे चिकन है ना हमारी, ये इस तरह श्रेड हो जाए, हल्की हल्की सी, ज़्यादा ना हो, थोड़ी थोड़ी सी हो जाए, थोड़े मोटे मोटे इसमें चंक्स भी लें। ये देखिए, ये देखिए इस तरह करके इसको, ये देखिए मैंने मोड ले लिया समोसा मोड। अगर आपके पास ये है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं है तो मैं आपको उसका भी तरीका बताऊंगी। पहले हमने ये ले लिया, इसको इस पर लगा दिया इस तरह करके, देखें इसके पूरे साइज पे इक्वल कर लेना है हर जगह से। ये देखें इस तरह करने के बाद ये मैंने बनाई है। 1 चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा डाला है और 1 चम्मच पानी डाला है, ये इस तरह का लिक्विडी फॉर्म बन गया। अगर पानी थोड़ा और डल जाए तो डाल दीजिएगा, आपने ये टेक्सचर लाने हैं, देखें इस तरह करके, ठीक है। अगर पानी और डल जाए तो डाल दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। अब हम ये इसको अच्छे से सब जगह लगा लेंगे, ये एज अ बाइंडिंग के तौर पे हमारे काम आएगा, समोसे खुलेंगे नहीं। ये देखें इस तरह लगाने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे फिलिंग जो हमने बनाई थी। ये देखें 1 समोसे के हिसाब से फिलिंग डालिएगा। ये देखें बहुत मज़ेदार ये चिकन चीज़ समोसे बनते हैं, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हम इसे बंद करके, ये देखें थोड़ा सा मैं इसको और इस तरफ ले आऊँ, ये देखें अब मैं इसको बंद कर लूँगी अच्छे से और इस तरह प्रेस करूँगी, कस के यूँ करके प्रेस करूँगी। और ये जो एक्स्ट्रा इसमें आटा आया है ये देखें, ये मैं निकाल लूँगी और इसको एक दफ़ा और दबाऊँगी। ये देखिए ये हमारा समोसा बन गया, इसे मैं निकाल लूँगी और मैं आपको बगैर मोल्ड के भी बनाना, ये अब मैं आपको बगैर मोल्ड के बता रही हूँ। पहले आपने इस तरह करके इस पूरे उस पर लगा लें ताकि बेफिक्री हो जाए कहीं से भी कि हमारी फिलिंग निकलेगी नहीं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे फिलिंग, ये देखिए इस तरह करके ये ऐड करी। अब हमने इसको इस तरह यूँ करके ऐसी शेप दे देनी, ठीक है। ये देखें इस तरह करके यूँ शेप दे देनी, इस तरह प्रेस करते जाना है साथ साथ, और फिर ये कांटे की मदद से, ये देखें इस तरह करके हमने इस पर निशान लगा देने ताकि ये निकले ना फिलिंग बाहर। ये तो हमारे तैयार हो गए बगैर मोल्ड के। इस तरह आप बगैर मोल्ड के तैयार कर सकती हैं और ये मोल्ड के साथ, तो मोल्ड के साथ ज़्यादा खूबसूरती आती है, वैसे आपकी मर्जी है। चिकन चीज़ समोसे की ये रेडी कर लिया, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रख ली है और इसमें मैंने ऑयल डाल लिया है। ऑयल आप इतना डालेंगे कि समोसे आपके डीप फ्राई हो। अभी हम अपने समोसे डालना शुरू करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए ऑयल बस इसी तरह गर्म होना चाहिए जिस तरह ही हमारा गर्म है, एकदम तेज़ आँच नहीं करनी है आपने कि जल जाए वरना एकदम से। ये देखिए ये हाथ से बगैर मोल्ड के बनाया हुआ समोसा भी मैं डाल देती हूँ। ये देखिए ये देखिए अब हम इसकी साइड टर्न करते जाएंगे और इसको हमने देखते रहना है, इसको रख के भूलिएगा नहीं बिल्कुल, इसको वक्तन फवक्तन आपने यही खड़े होकर ही फ्राई करना होगा, थोड़ी मेहनत तो लगेगी इसमें। ये देखें इस तरह साइड टर्न करते जाएँ और आँच आपने ज़्यादा तेज़ नहीं करनी है, मीडियम फ्लेम रखनी है। ये देखिए और इसके ऊपर इस तरह करके तेल भी डाल दीजिए। ये देखिए ये देखिए समोसों का कलर कितना प्यारा हमारा हो गया। ये देखिए इस तरह का कलर, लाइट लाइट सा कलर लाने, चिकन के समोसे इस कलर के बनते हैं, लाइट कलर के। अब मैं इसको स्ट्रेनर में डालती जाऊंगी, देखिए ताकि ऑयल इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए। देखो मज़ेदार किस्म के चिकन के समोसे, चिकन चीज़ समोसे तैयार हैं। ये देखें थोड़ी सी मेहनत है लेकिन इन दी एंड रिज़ल्ट ओहो हो बहुत मज़ेदार आना है। कितने खस्ता समोसे बने, ये देखें
ये क्रंच की आवाज़ आ रही है आपको, बाहर से ही देखें, ये देखें, और चीज़ भी कितने अच्छे से अंदर तक मेल्ट हो गई है, देखिए बहुत मज़ेदार चिकन समोसे बने हैं। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और मज़ेदार किस्म के चिकन चीज़ समोसे हमारे तैयार हैं खाने के लिए। इसको हम खाएंगे केचप के साथ। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। अपनी बहुत ही प्यारी प्यारी सी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।